नीतीश कुमार। बिहार की दो सीटों पर हुए सियासी मैच का परिणाम ड्रॉ निकला है। दोनों दलों को सिटिंग सीट पर जीत हासिल हुई है। मोकामा पर आरजेडी को जीत मिली है तो गोपालगंज में बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा है। उपचुनाव का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म। मोकामा में छोटे सरकार की सरकार। गोपालगंज में फिर से खिला कमल। जश्न की ये दो तस्वीरें। बीजेपी भी जश्न मना रही है तो आरजेडी के कार्यकर्ता भी जश्न में डूबे, क्योंकि बिहार में उपचुनाव का मुकाबला ड्रॉ पर छूटा है। पटना की मोकामा सीट पर फिर से आरजेडी ने कब्जा जमा लिया है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को जीत हासिल हुई है। आरजेडी कैंडिडेट नीलम देवी ने 16,741 वोटों से जीत हासिल की। नीलम देवी को कुल 79,744 वोट मिले, यानी कुल वोट का 53.44% वोट। तो वहीं बीजेपी की सोनम देवी को 63,003 वोट मिले, कुल 42.22% वोट, जबकि मोकामा में 149,232 लोगों ने वोट डाले। आरजेडी को पिछली बार से ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन जीत का मार्जिन कम है। मोकामा की जनता जो हम पर विश्वास किए हैं और अपना आशीर्वाद दिए हैं, उनको सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हूं और सबको धन्यवाद दे रही हूं जो हम पर विश्वास किए और उस विश्वास किए हैं, तो एकदम हम उस विश्वास पे खड़े उतरे। लेकिन गोपालगंज में आरजेडी की मेहनत पर पानी फिर गया। जिस कमल को डुबाने की चुनौती थी वो कमल फिर से खिला है। बीजेपी की कुसुम देवी 1,794 वोटों से जीती। कुसुम देवी को कुल 70,053 वोट मिले, कुल वोट का 41.6%। वहीं आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 वोट मिले, यानी 40.53% वोट, जबकि AIMIM के अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले, कुल वोट का 7.25% वोट। वो तीसरे स्थान पर रहे। बीएसपी की इंदिरा यादव को 8,854 वोट मिले, कुल वोट का 5.26% वोट, जो कि चौथे स्थान पर नहीं। गोपालगंज में कुल 168,396 लोगों ने वोट डाला। यहां भी बीजेपी की जीत का अंतर घट गया, जबकि आरजेडी के वोट में इजाफा हुआ है। देखिए, बहुत खुशी की बात है, पूरा गोपालगंज जिला की जनता मुझे आशीर्वाद दिया है, उसी का जीत मेरा ही जीत है। आगे कैसे विकास करेंगे? आगे जो विकास नहीं हुआ है वो विकास हम पूरा करेंगे। जनता हमको इतना आशीर्वाद और मत दी है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसका मतलब हार के भी जीत गए हैं आप? क्या बिल्कुल जीत, आप तो देख ही रहे हैं। ज्यादा अंतर नहीं है वोटों का? हाँ, ज्यादा अंतर भी नहीं है और हमें बहुत रोका गया, हम पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। इस ड्रॉ मुकाबले को लेकर आरजेडी और बीजेपी अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। बीजेपी से नीतीश के खिलाफ मैंडेट मांगती है तो आरजेडी ने इसे तेजस्वी की जीत बताया है। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। और वहीं गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने सुभाष सिंह को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमने अंतर को कम किया है गोपालगंज में, 43,000 वो घटा करके हम 2,000 पर लाके खड़े कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो परंपरागत सीट थी जहां सहानुभूति काम किया, वहां पार्टी से ज्यादा सहानुभूति उनको काम किया। सियासी मैच का ये मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन परिणाम पर चर्चा भी बाकी है। चिंतन बीजेपी भी करेगी, विचार आरजेडी भी करेगी, तब पता चलेगा कि असल विनर कौन रहा, किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान उठाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उपचुनाव का सियासी परिणाम ड्रॉ रहा और इस ड्रॉ मुकाबले का जस्ट